Hi everyone, this is Wajid Raza from RICH, the Rizvi Institute of Chemistry. Join RICH to be rich in chemistry. Hi everyone. So today here are we about the second lecture of the main topic, the periodic table of the elements and periodicity. In the previous lecture, we discussed about the few factors or few scientists who contribute to the formation of the periodic table. We looked back in the historical background about the evolution of periodic table. So, हमने कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में देखा और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा कि कौन कौन से साइंसदान ने किस लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज करने का, एलिमेंट्स को तरतीब देने में अपनी तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन दी। हमने उनमें अलराज़ी का नाम देखा जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट था। उसके बाद फिर हमने न्यूलैंड के लिहाज से बात की, डोब्रैनन के लिहाज से बात की, लूथर मेयर का काम देखा। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशन थी, हमने उसके लिहाज से बात की। सो आज हम उन्हीं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले साइंटिस्ट में से एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द डिमित्री मेंडलीव। डिमित्री मेंडलीव वाज अ रशियन साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द पीरियडिक टेबल इन 1870। ही सॉ द पीरियडिक टेबल इन हिस्ट्री। एक रात वो सोया हुआ था तो उसने अपने ख्वाब में एक देखा कि एक टेबल है और उस टेबल में जाके एलिमेंट्स फिट हो गए, अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। तो जैसे ही वो ख्वाब से बेदार हुआ तो उसने अपने एक पेपर के ऊपर उसी ख्वाब के मुताबिक एक पीरियडिक टेबल बनाया। तो वो तो जस्ट कुछ एक ख्वाब की हद तक था, उसने उसको एक रियलिटी में उसको कन्वर्ट किया और बाद में उसने कुछ करेक्शन करके उस पीरियडिक टेबल को प्रपोज किया दुनिया के सामने। उस वक्त जो जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे, सो मेंडलीव अरेंज दो 63 एलिमेंट्स इन हिज पीरियडिक टेबल। सो व्हेन ही अरेंज द पीरियडिक टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बिकॉज एट दैट टाइम द एटॉमिक नंबर टर्म वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, neither the atomic number was discovered nor the atomic number term was introduced. So he arranged the elements on the basis of atomic mass, atomic weight. So we can define his periodic law or periodic statement as, if the elements are arranged in the increasing order of atomic mass, then there is a repetition of the properties after a regular interval. क्या बात हुई कि जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करते हैं तो क्या होता है, एक वक्फे के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। तो इसको हम दूसरे लफ्जों में ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। सो हियर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स फॉर द डिमित्री मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो हम इसको दो लफ्जों में, दो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मैसेज, और उन एटॉमिक मैसेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक रेगुलर ऑर्डर होना चाहिए और वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो फिर होता क्या है, देन व्हाट आर द कंक्लूजन, व्हाट आर द आउटकम्स, देन वी ऑब्जर्व द आउटकम्स दैट देयर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। एक इंटरवल के बाद, एक वक्फे के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होती है। सो we just repeat or revise the statement that if the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, then their properties repeat after a regular interval. इसी बात को हम दूसरे अल्फाज में मगर शॉर्ट वर्ड्स में ओवरकम कर सकते
फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बिल्कुल वैसी बात है, इसको हमने दूसरे अल्फाज में ढाल लिया कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। पीरियडिक फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा फैक्टर जो बार बार रिपीट हो रहा होता है, पीरियडिकली वो रिपीट हो रहा होता है आफ्टर एन इंटरवल। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम पीरियडिक टेबल के लिहाज से बात करें तो जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि सोडियम है, सोडियम की जो प्रॉपर्टी है वो लिथियम के साथ मैच करती है, सोडियम की प्रॉपर्टी जो है वो पोटेशियम के साथ मैच करती है। अगर हम एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज करते जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि एक इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है और उन प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं एक ही कॉलम के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हम मेंडलीव के पीरियडिक टेबल को, मेंडलीव के पीरियडिक ग्राफ को डिस्क्राइब कर सकते। So there were 63 elements discovered at the age of Mendeleev. So he arranged 63 elements, but he also predicted that there would be some elements which are still undiscovered, but they will be discovered later. उसने अपनी periodic table में इसीलिए कुछ special भी छोड़ी क्योंकि उसने कहा था कि कुछ elements ऐसे भी होंगे, वो ऐसे भी हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए लेकिन बाद में डिस्कवर होंगे। तो उसने प्रेडिबल को ड्रीम में देखा, काम में देखा था और फिर उसे को एक हकीकी रूप में दुनिया के सामने पेश किया। उसने जो पीरियडिक टेबल बनाई तो उसमें 12 हॉरिजॉन्टल रोज थे और उन हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स का नाम दिया और उसमें एक वर्टिकल कॉलम थे, ऊपर से नीचे एलिमेंट्स अंदर अरेंज्ड थे और उन वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप्स का नाम दिया। सो मेंडेलीव पीरियडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द 12 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम। दीज आर बोथ टू इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर द मेंडेलीव पीरियडिक टेबल इफ यू आर गोइंग थ्रू द डिस्कशन ऑफ द मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। अब जिस तरह हमने डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की तो हर कॉन्ट्रीब्यूटर की कॉन्ट्रीब्यूशन की एडवांटेजेस भी थी, कुछ डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक भी थे। तो इसी तरह मेंडेलीव की पीरियडिक टेबल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। देयर आर आल्सो सम मेरिट्स, सम की पॉइंट्स, सम बेनिफिशियल पॉइंट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियडिक टेबल एंड व्हाट आर दोस, लेट्स हैव अ लुक। So, Mendeleev periodic table was first proper and regular tabular form, regular arrangement of the elements in the form of table. इससे पहले जितने भी scientists हैं, किसी की भी जो periodic table थी वो कोई proper form में, कोई regular form में नहीं बनती थी। किसने Dryas propose किया, किसने Obeys propose किए, लेकिन वो कोई अच्छी form नहीं थी। Mendeleev ने जो periodic table propose की वो पहली ऐसी पीरियडिक टेबल थी जो प्रॉपर और रेगुलर फॉर्म में थी जिसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। तो जिस तरह पहले बताया कि मेंडेलीव आल्सो प्रेडिक्टेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स विच वर अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम, उसने अपनी पीरियडिक टेबल में स्पेसेस लेफ्ट की। क्यों स्पेसेस लेफ्ट की? क्योंकि उसे लगता था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए लेकिन बाद में डिस्कवर होंगे तो उनको इन जगहों पे आना चाहिए। तो उसने कई एलिमेंट्स के लिए जगह भी छोड़ी और कई एलिमेंट्स की डिस्कवरी के लिए भी बताया। He also made the few corrections of the atomic masses of different elements. He also made a contribution towards the arrangement of elements by correcting the atomic masses of elements. There were few elements whose atomic masses were not correct. उसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज की करेक्शन की जो उससे पहले लोगों ने गलत समझा हुआ था, गलत लिखते थे, गलत बोलते थे। Just like as beryllium, Be, जिसका सिंबल होता है। बेरिलियम का जो एटॉमिक मास जो पहले कंसीडर किया जाता था वो था 13.5 यूनिट्स। तो मेंडेलीव ने कहा कि ये इसका एटॉमिक मास गलत है, ये इसका एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि इसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास होता है वो 9 है। सो ही मेड द
corrections in case of atomic masses of elements which were wrong at that time. So that was also the merit and contribution of the Mendeleev periodic table. He also made a contribution towards the better understanding of the concept of valency. तो उससे पहले जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी वैलेंसी डिफरेंट होती थी और उनका ऑर्डर या उनकी अरेंजमेंट उसके टोटली अपोजिट होती थी, रॉन्ग होती थी. तो मेंडेलीव ने आकर उन एलिमेंट्स के वैलेंसी के बारे में बेटर कंसेप्ट दिया और वैलेंसी के बारे में बताते हुए ही उसने एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में अरेंज किया. सो देयर वर आल्सो फ्यू एलिमेंट्स व्हिच कुड नॉट फिट प्रॉपर्ली. कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी इन आठ ग्रुप्स के अंदर कोई प्रॉपर जगह नहीं बन रही थी. तो इस वजह से मेंडेलीव ने फिर उन ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया ताकि एलिमेंट्स को प्रॉपर अरेंज किया जा सके, प्रॉपर फिट किया जा सके और उन एलिमेंट्स के लिए ये सब ग्रुप्स बनाए जो अनएडजस्टेबल थे, जो कि उन आठ ग्रुप्स के अंदर एडजस्ट नहीं हो रहे थे. सो दीज आर द फ्यू मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. तो जाहिर सी बात है जब ओल्ड एजेस के लिहाज से हम कोई बात करते हैं तो मेरिट्स या एडवांटेजेस या पॉजिटिव पॉइंट्स होने के साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. तो मेंडेलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल प्रपोज की उसमें कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस भी थी. तो ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस क्या थी, लेट्स हैव अ लुक. सो हियर आर वी विद द डीमेरिट्स और ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. सो व्हाट आर दोस? द फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास. सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया. इससे ही काफी प्रॉब्लम, इसी पॉइंट से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया गया. सो जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज करते हैं तो एटॉमिक आइसोटोप्स का इशू आ रहा है. जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए तो आइसोटोप्स का इशू आ गया कि अब एक ही एलिमेंट के जितने ज्यादा आइसोटोप्स हैं अगर हम उनको एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज करें तो उसके लिए तो एक से ज्यादा स्पेसेस होने चाहिए, एक से ज्यादा ब्लॉक्स होने चाहिए. हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन के. हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? तीन. हाइड्रोजन हैव थ्री आइसोटोप, एच वन प्रोथियम, एच टू ड्यूटेरियम एंड एच थ्री ट्रिटियम. सो दीज आर द थ्री आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन. If these isotopes or these atoms are arranged on the basis of atomic mass, then protium must be placed in the separate block, deuterium must be placed in the separate block, and tritium must be placed in the separate block. It means the only hydrogen element will occupy the three spaces in the periodic table. But that is not affordable or acceptable, क्योंकि एक element के लिए तो एक ही जगह होनी चाहिए. लेकिन जब एक एलिमेंट तीन जगहों पे आ जाएगा तो फिर तो पीरियोडिक टेबल को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. उनकी प्रॉपर्टीज की जो रेपिटेशन होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी. तो इस वजह से जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज करते हैं तो आइसोटोप्स की वजह से मेजर इशू आ जाता है. सो इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल दैट वाज अ मेजर इशू दैट द एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज. And on the basis of atomic masses, the isotopes could not arrange in the periodic table. So, एक मसला isotopes की position के लिहाज से दिया गया कि isotopes की position को किस तरह हम clear कर सकते हैं. अब next with the drawback or limitation of the Mendeleev periodic table is that there were no prediction or no spaces left for the noble gases. मेंडेलीव ने नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी, ना ही उसके लिए कोई प्रिडिक्शन की थी. तो ये भी एक ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन है मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की कि उसकी टेबल में नोबल गैसेस के लिए कोई प्रिडिक्शन नहीं थी, कोई जगह नहीं थी. जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो नोबल गैसेस को उस पीरियोडिक टेबल के अंदर फिट करना, एडजस्ट करना, अरेंज करना मुश्किल हो गया. सो देयर वर फ्यू एलिमेंट्स हु
were possessing the similar properties, those were resembling with the each other, but those were placed in the separate world. For example, gold and silver. Both of these elements are closely related to each other. इन दोनों की properties एक दूसरे से बहुत match करती हैं। तो इनकी similarity की बेस पे इनको एक ही group में place किया जाना चाहिए था, लेकिन Mendeleev ने इनको different group में place किया। So that was also the drawback or limitation of the Mendeleev product table. Similarly, इसके conversely बात करें तो कुछ elements ऐसे थे जिनकी properties different थी, लेकिन उनको एक ग्रुप में प्लेस किया गया था। कुछ एलिमेंट्स उसने रिवर्स मैनर में अरेंज कर दिया, मतलब उसने बात की कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पर अरेंज करना चाहिए, लेकिन उसने जो ऑब्जर्वेशन की अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन दो एलिमेंट्स को रिवर्स अरेंज कर दिया। ही अरेंज दीज टू एलिमेंट इन द रिवर्स मैनर, लाइक द आर्गन मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर पोटेशियम in order of increasing atomic mass, but he put the argon first with the atomic mass of 40 and potassium later with the atomic mass of 39. So this was also the limitation or drawback of the Mendeleev product. उसने inert pair effect के बारे में भी कोई discussion नहीं की। What is inert pair effect? Inert pair effect is about the inert pair in the outermost shell. Inner pair is actually the pair of electron in a orbital. So that is basically a pair of electron in the outermost shell which is not participating in the bond formation in the body. So that is called the inner pair, and its his not contribution towards the bonding is called inner pair effect. तो मेंडेलीव जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में भी डिस्क्राइब नहीं कर सका। वो एलिमेंट्स के पेकुलियर बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया। एज वी नो दैट द एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप इज बिहेविंग एनोमली विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। जैसा कि हम पहले ग्रुप मेंबर की बात करें ऑक्सीजन, तो मॉडर्न पेयर टेबल के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो अपनी बाकी सारे ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंटली बिहेव करता है। इसी तरह फ्लोरीन भी अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंटली बिहेव करता है। इसी तरह कार्बन भी अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंटली बिहेव करता है। तो उनका ये जो पेकुलियर बिहेवियर है एलिमेंट्स का, वो कौन सा एलिमेंट जो अपने ग्रुप मेंबर का फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बारे में भी मेंडेलीव की पेयर से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, ना ही मेंडेलीव ने और भी कुछ बताया। Rare earth elements could not fit properly in the Mendeleev product table. What are the rare earth elements? As you can see from the name, these are the elements, rare earth elements. These are the elements which are rarely found in the earth crust, and those are lanthanides and actinides, the F block elements. इनकी quantities जमीन के अंदर earth crust के अंदर बहुत कम मिलती है। इसी वजह से इनको रेयर अर्थ कहते हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेस पे जो उस वक्त नोन थे उनको भी पीरियड टेबल के अंदर प्रॉपरली फिट नहीं किया जा सकता। सो नेक्स्ट इज अबाउट द मिस रिसेम्बलिंग ऑफ द ग्रुप नंबर एंड वैलेंसी नंबर। मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को कुछ एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि उनका जो वैलेंसी था, उनका वैलेंसी नंबर जो था वो ग्रुप नंबर से मैच नहीं करता था। जस्ट लाइक एज गोल्ड, प्लैटिनम, पलाडियम, तो ये एलिमेंट्स जो थे वो ग्रुप नंबर 8 में प्लेस किए गए थे, लेकिन ग्रुप नंबर 8 में अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो एटॉमिक नंबर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की लास्ट देखें उनकी वैलेंसी जो है वो 8 होनी चाहिए, लेकिन इनकी वैलेंसी जो वो 8 नहीं होती। गोल्ड की 3 होती है, प्लैटिनम की 4 होती है, लेड की 4 होती है, और इनको ग्रुप नंबर 8 में प्लेस किया गया। सो देयर वर फ्यू एलिमेंट्स व्हिच वर प्लेस्ड रॉन्ग इन अ रॉन्ग वे एंड टोटली अपोजिट टू देयर वैलेंसी। जस्ट लाइक एज गोल्ड, प्लैटिनम एंड पलाडियम वो हैव द वैलेंसी लेस देन 5, बट दोज आर प्लेस्ड इन द ग्रुप नंबर 8। सो दीज वर फ्यू द लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स और द डीमेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव पीरियड टेबल। सो
चीज में कोई मिसकंसेप्शन आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई लिमिटेशन आती है, तो उनको फिर रिजॉल्व किया जाता है, उनमें इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती है, उनमें मॉडिफिकेशंस लाई जाती है। सो इसी तरह मेंडेलीव की प्रायर टेबल को भी मॉडिफाई किया गया, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई गई। सो व्हाट वर द इम्प्रूवमेंट्स वर मेड इन द मेंडेलीव प्रायर टेबल, लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट वर द इम्प्रूवमेंट्स और मॉडिफिकेशंस इन द मेंडेलीव प्रायर टेबल, लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट modification or improvement in the Mendeleev periodic table was that the elements were arranged on the basis of atomic number. After the discovery of atomic number by G.H. Moseley in 1920, जब G.H. Moseley ने ये observe किया कि elements को हम mass number के बजाय हम number of protons की base पे ज्यादा better way में arrange कर सकते हैं, क्योंकि उसने observe किया कि अगर हम एलिमेंट्स का प्रोटॉन नंबर देखते हैं तो किसी भी दो एलिमेंट्स का प्रोटॉन नंबर एक जैसा नहीं है, हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से प्रोटॉन की तादाद डिफरेंट है। तो फिर उसने कहा कि एलिमेंट्स को जो कि हम एक नंबर असाइन कर सकते हैं जो किसी भी दूसरे एलिमेंट का नहीं होगा, तो उसने फिर इसको अटोमिक नंबर का नाम दिया। अटोमिक नंबर की जब टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई तो उसके बाद फिर यही इम्प्रूवमेंट लाई गई कि एलिमेंट्स को हम एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करें तो ज्यादा बेटर वे में अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद ऑब्जर्व भी किया गया कि एलिमेंट्स को जब हम एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन पाई जाती है और प्रॉपर वे में रेपिटेशन होती है, प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। दूसरी इम्प्रूवमेंट ये थी कि नोबल गैसेस जो जब डिस्कवर हुई तो मेंडेलीव प्रायर टेबल में उनकी कोई जगह नहीं बनती थी, सो एन एक्स्ट्रा ग्रुप वाज एडेड इन द पीरियोडिक टेबल एट एक्सट्रीम राइट साइड फॉर द नोबल गैसेस आफ्टर देयर डिस्कवरी। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई और ये देखा गया कि मेंडेलीव की प्रायर टेबल में उनकी जगह नहीं बन रही, तो उनके लिए फिर एक अलग से ग्रुप रखा गया राइट साइड पे, और फिर एटॉमिक नंबर के इंक्रीज इन ऑर्डर की बेस पे देखा गया कि उनकी जगह वही बनती है और उनको वहीं पे प्रॉपरली प्लेस किया गया। कन्वीनियंस के लिए, सहूलत के लिए, आसानी के लिए ग्रुप्स को सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइड किया गया। सो द एलिमेंट्स और द ग्रुप्स वर डिवाइडेड इन द सब ग्रुप्स ए एंड बी। द एलिमेंट्स ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स। मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया था जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ थी, जैसा कि उसने मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और जिंक, कैडमियम और मर्करी को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। ही प्लेस्ड ऑल दीज एलिमेंट्स इन अ सिंगल ग्रुप, बट व्हेन दोज एलिमेंट्स वर एनालाइज्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज वर चेक्ड, इट वाज केम टू नो दैट these elements must be placed in two separate groups. So, the magnesium, calcium, strontium and barium were placed in the group 2A and zinc, cadmium and mercury were placed in the group 2B. So, in the Mendeleev periodic table, all of these elements were placed in the single group, but later it was analyzed that these elements must be placed in the separate group and hence these elements were placed in a separate group. So, the position of the isotopes. जब atomic mass के लिहाज से बात करते हैं और isotopes की discovery हुई, तो पता चला कि अगर हम isotopes को arrange करें तो एक element की एक से ज्यादा जगह बनती है. So, there was the problem of the placing elements in the increasing order of atomic mass after discovery of isotope. So, when the elements were arranged on the basis of atomic number, the problem of position of isotopes was resolved and the isotopes, the atoms of the same element were placed in a single block, in a single pair. The word isotope also means the same place. Iso means same and tope means place or position. So, all of the atoms of the same element were placed in the single place. So, those elements, those atoms were named the isotope. And after the arrangement of periodic table on the basis of atomic number, the
the problem of the positioning of the isotopes was also resolved. So here was the improvements or the modification which were made towards the Mendeleev protocol. So aaj ke is topic mein humne ek major contributor Mendeleev ki contribution ke bare mein baat ki. So yahan pe do important short question bante hain ke what were the merits and demerits of the Mendeleev protocol, aur dusra important short question, what improvements or modifications were made towards the Mendeleev protocol. So isme se ye do important short questions bante hain. So historical background or evolution of the periodic ke lihaz se ye hamara dusra lecture tha. फर्स्ट लेक्चर में हमने इससे मेंडेलीव से पिछले कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात की थी. सो इफ यू हैव नॉट वॉच द फर्स्ट लेक्चर यू कैन गो टू वॉच द फर्स्ट लेक्चर द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गो एंड क्लिक द लिंक एंड आल्सो वॉच द फर्स्ट लेक्चर देन यू विल गेट मोर अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द एवोल्यूशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल.